ये देखे कितने औसम कचौरियाँ बनाई है मैंने, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है बनाने के लिए। ये चिकन की कचौरी है, चलिए बनाते हैं चिकन की कचौरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फिर मैं आ गई हूँ एक नया रेसिपी के साथ में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन की कचौरी। इसके लिए मैंने 150 ग्राम चिकन कीमा ले लिया है, उसको आप घर में भी बोनलेस चिकन को पीस सकते हैं मिक्सी में डाल के, नहीं तो आप बाहर से भी चिकन कीमा रेडी लेके आ सकते हैं। अरे मैंने एक कांदा लिया है जिसको बारीक काट लिया है, अदरक लहसुन लिया है जिसको मैंने ग्रेट किया है, आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। एक हरी मिर्ची है जिसको मैंने बारीक काटा है, आधा नींबू का रस लेंगे और हरा धनिया मैंने काट के रख लिया है, और ये सूखा मसाला है, आधा चम्मच मैंने कुटी हुई धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच बड़ी सौंफ ली है वगारने के लिए, आधा चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे, और ये है गरम मसाला पाउडर। तो सबसे पहले चिकन का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और सबसे पहले इसमें जीरा, बड़ी सौंफ और सूखा धनिया जो हमने कूट के रखा है वो डाल देंगे इसमें। तो मैंने जीरा, बड़ी सौंफ और धनिया डाल दिया है, हल्का सा भून लेंगे इसको, जैसे इसमें कैकल का आवाज आएगा जीरे का। कांदा डाल देंगे, जीरा हो गया है, अभी कांदा डाल देंगे। और इसको भी 2 मिनट तक भून लेंगे कांदा को, बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे साथ में। ये देखिए कांदा हल्का सा फ्राई हो गया है, अभी इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट या ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया है, और अभी इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। फ्राई कर लेंगे, और साथ में जो हमारे सूखे मसाले हैं वो सब भी ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से कंबाइन करेंगे। देखिए सब अच्छे से कंबाइन हो गया है, मिल गया है, और अभी इसको स्लो फ्लेम में 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। जब तक हमारा चिकन हो रहा है जब तक इसका डो रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा के साथ में। ये देखें घी अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। इसको ऐसा पकड़ेंगे तो इसका लड्डू जैसा बनना चाहिए, मतलब ये हमारा घी एकदम परफेक्ट हो गया है, मिक्स हो गया है अच्छे से। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सॉफ्ट डो बना लेते हैं। ये देखिए हमारा डो बन के तैयार हो गया है, और अब इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारा चिकन का फिलिंग तैयार हो रहा है। इसको रेस्ट करने देंगे आटे को। चलिए देखते हैं चिकन को अभी। ये देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया है, अभी इसमें हरा धनिया डाल देंगे
नींबू का रस ऐड करेंगे और एक बॉइल्ड और मैश्ड पोटैटो ऐड करेंगे। और मैंने बॉइल्ड पोटैटो ले लिया है, इसमें डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे और नींबू का रस ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और नमक भी टेस्ट कर लीजिए, अगर कम ज़्यादा है तो ऐड कर सकते हैं आप इसमें। अरे हमारा चिकन का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है, अब इसके बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, जो मैंने चिकन बनाया था उसके मैंने बॉल बना के रेडी रख लिए हैं और आटे के भी मैंने बॉल बना के रेडी रख लिए हैं। अब इसमें कचौरियाँ बनाएंगे। एक लोई ले लेंगे, उसको हाथ से फ्लैट करेंगे थोड़ा। उसके बाद में एक चिकन का बॉल ले लेंगे और इसको अच्छे से बंद कर देंगे अंदर। देखिए, और इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। देखिए, इसी तरीके से सारे बना के रेडी रख लेंगे पहले। ये देखिए, हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो गई है, स्टफिंग भर गई है इसमें और अभी इसमें फ्राई करने का टाइम आ गया है। इसको मैंने तेल गरम होने रख दिया था, तेल हमको बहुत गरम नहीं करना है, नहीं तो हमारी कचौरियाँ जल्दी से ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर कच्ची रहेंगी और क्रिस्पी नहीं होंगी। तेल हमको मीडियम रखना है और एक एक करके कचौरी इसमें हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई हो रही है हमारे कचौरियाँ। अभी इसको पलट देंगे। देखिए, हल्का सा ब्राउन कलर आया है। अच्छा, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे और क्रिस्पी भी हो जाएगी ये पकते पकते। ऊपर से ऐसा ऑयल डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, हमारी कचौरी अच्छे से पक गई है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी की जो कचौरियाँ हैं उसको फ्राई कर लेंगे। बाकी की कचौरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे चिकन की कचौरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए, कितनी देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस बनी हुई है। इसको आप टोमेटो सॉस के साथ में या हरी चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं और एक बार इसको जरूर आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी है चिकन कचौरी की। टोमेटो सॉस के साथ में एंजॉय करेंगे। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कचौरी को। ये देखें, इसको मैंने कट किया है, कितने क्रिस्पी और बहुत ही स्टफिंग अच्छे से भरी हुई हमारी कचौरियाँ एकदम टेस्टी बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही यम्मी बनी है और बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही इजी है बनाने के लिए। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए। चिकन कचौरी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और बेल बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।